हेलो फ्रेंड्स, कल रात को मैं जा रहा हूँ। जी नहीं, अभी आप न जा सकेंगे, आग्रह, अनुरोध और आदेश के स्वर में वीना ने कहा। निरंजन के होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट खेल गई, फिर बिना कुछ कहे ही उन्होंने अपने जेब से एक पत्र निकालकर वीना के सामने फेंक दिया और शांत स्वर में बोले, मुझे तो कोई आपत्ति नहीं, आप इस पत्र को पढ़ लीजिए। इसके बाद भी यदि आपकी यही धारणा रही कि मैं न जाऊं, तो जब तक आप न कहेगी मैं न जाऊंगा। वीना ने सर को हिलाते हुए कहा, जी नहीं, रहने दीजिए, मैं कोई पत्र वत्र न पढ़ूंगी और न आपको जाने ही दूंगी। हल्की मुस्कुराहट के साथ निरंजन ने पत्र उठा लिया और बोले, आप न पढ़ना चाहे तो भले ही न पढ़े। पर उनकी बात को काटते हुए वीना ने कहा, अच्छा लाइए, जरा देखूं तो सही किसका पत्र है। पत्र लेखक मेरा कोई दुश्मन ही होगा जो इस प्रकार अनायास ही आपको मुझसे दूर खींच ले जाना चाहता है। निरंजन हंस पड़े और हंसते हंसते बोले, पत्र पढ़ लेने के बाद पत्र लेखक को शायद आप अपना दुश्मन न समझे, दुश्मन न समझकर मित्र ही समझे। वीना ने विरक्ति के भाव से कहा, जी नहीं, यह हो ही नहीं सकता। जो आपको मुझसे दूर खींच ले जाना चाहे वो कोई भी हो, मैं तो उसे अपना दुश्मन ही कहूंगी। निरंजन ने कहा, सच? पर आप ऐसा क्यों सोचती है? वीणा ने निरंजन की बात नहीं सुनी। वह तो पत्र पढ़ रही थी जिसमें लिखा था, मेरे प्राण, एक महीना पहले तुम्हारा पत्र आया था। तुमने लिखा था कि यहाँ का काम एक दो दिन में निपटा कर रविवार तक घर अवश्य आ जाऊंगा। इसके बाद सोचो तो कितने रविवार निकल गए। रोज तुम्हारा रास्ता देखती हूँ, उधर से आने वाली हर एक ट्रेन के समय उत्सुकता से कान दरवाजे पर ही लगे रहते हैं। ऐसा मालूम होता है कि अब तांगा आया, अब दरवाजे पर रुका और अब तुम मेरे प्राण। आकर मुझे क्या कहूँ, मैं जानती हूँ कि तुम अपना समय कहीं व्यर्थ ही नष्ट न करते होगे, किंतु फिर भी जी नहीं मानता। यदि पंख होते तो उड़कर तुम्हारे पास पहुँच जाती। तुम कब तक आओगे? जीती हुई भी मरी से गई बीती हूँ। जब दो पक्षियों को भी एक साथ देखती हूँ तो हृदय में हुक सी उठती है। क्या यह लिख सकोगे कि कब तक मुझे प्रतीक्षा करनी पड़ेगी? वैसे तुम्हारी इच्छा जब आना चाहो, पर मेरा तो जी यही कहना है कि पत्र के उत्तर में स्वयं ही चले आओ। तुम्हारी। पत्र पढ़ते पढ़ते कई बार वीना के चेहरे पर विषाद की एक झलक आई और चली गई। पढ़ने के पश्चात पत्र को उसने चुपचाप निरंजन की ओर बढ़ा दिया। निरंजन ने पत्र लेकर जेब में रख लिया। कुछ क्षण तक दोनों चुपचाप बैठे रहे, फिर वही रोज का कार्यक्रम, उमर खय्याम की रुबाइयों का अनुवाद आरंभ हो गया। निरंजन शांत और अविचल थे, किंतु वीना स्वस्थ न थी। आज वह रुबाइयों को न तो ठीक तरह से पढ़ ही सकती थी और न उनका अनुवाद ही कर सकती थी। निरंजन से वीना की मानसिक अवस्था छिपी न रह सकी। उन्होंने कहा, आज आप अनुवाद ही कर सकती थी, आज आप अनुवाद का काम रहने ही दे, कल हो जाएगा। चलिए थोड़ी देर ग्रामोफोन सुने। बाजे में चाबी भर दी गई, रिकॉर्ड चढ़ा दिया गया। इंदु बाला का गाना था, सजन तुम काहे को नेहा लगाए। 1 2 3 वीना ने बार बार इसी रिकॉर्ड को बजाया, जब तक वीना के पति कुंज बिहारी ऑफिस से लौटे। बोले, वीना, तुमसे कितनी बार कहा कि इतनी मेहनत मत किया करो, पर तुम नहीं मानती। जरा अपना चेहरा तो जाकर शीशे में देखो, कैसा हो रहा है। वीना कुछ न बोली। निरंजन ने कहा, जी हाँ, यही बात तो मैं भी इनसे कह रहा था कि आप इतनी मेहनत न करें, सब होता रहेगा। उस दिन निरंजन के जाने के बाद वीना ने रात भर जागकर सारी रुबाइयों का अनुवाद कर डाला। अब केवल एक बार देख लेने की ही आवश्यकता थी। निरंजन की पत्नी का पत्र पढ़ लेने के बाद वीना अपने आप ही अपनी नजरों में गिरने लगी। उसे ऐसा मालूम होता था कि निरंजन के प्रति उसका प्रेम स्वार्थ से परिपूर्ण है, क्योंकि उसे उनका साथ अच्छा लगता है और इसीलिए वह उन्हें अपने दुराग्रह से रोके जा रही है। निरंजन को पत्नी की नम्रता एवं उसके शील और विश्वास के सामने वीना अपनी दृष्टि में स्वयं ही बहुत हीन जचने लगी। निरंजन बहुत नम्र प्रकृति के पुरुष थे और विशेषकर स्त्रियों के साथ वे और भी नम्रता से पेश आते। यही कारण था कि ये वीना का आग्रह न टाल सके।
कई बार जाने का निश्चय करके भी वे जा न सके, किंतु आज वीना ने सोचा कि अब मैं उन्हें कदापि न रोकूंगी, जाने ही दूंगी। मैं जानती हूं कि उनका जाना मुझसे बहुत अखरेगा, परंतु यह कहा का न्याय है कि मैं अपने स्वार्थ के लिए एक पति पत्नी को अलग अलग रहने के लिए बाध्य करूं? न, अब यह न होगा। जो बीतेगी वह सहूंगी, पर उन्हें अब न रोकूंगी। दूसरे दिन समय पर ही निरंजन आए। वीना उन्हें ड्रॉइंग रूम में ही मिली। उन्हें देखते ही उठकर हंसती हुई बोली, यद्यपि उसकी वह हंसी ओठों तक ही थी, उसकी अंतरात्मा रो रही थी। उसे ऐसा जान पड़ता था कि निरंजन के जाते ही उसे उन्माद हो जाएगा। कहिए निरंजन जी, आपने जाने की तैयारी कर ली? निरंजन ने नम्रता से कहा, जी नहीं, मैं आज कहाँ जा रहा हूँ। मैं तो जब तक आपकी रुबाइयों का अनुवाद न हो जाएगा तब तक यही रहूंगा। वीणा बोली, मेरी तो सब रुबाइयों का अनुवाद हो गया, आप देख लीजिए। आश्चर्य से निरंजन ने पूछा, सच? मालूम होता है आपने रात को बहुत मेहनत की है। वीणा, हाँ मेहनत तो जरूर की है, किंतु आपको आज जाना भी तो है। अब आप इन्हें देख लीजिए, 2-3 घंटे का काम है बस। निरंजन मुस्कुराते हुए बोले, क्यों, आप मुझसे नाराज हो गई क्या? आप मुझे इतनी जल्दी क्यों भेजना चाहती है? मैं आराम के साथ चला जाऊंगा। वीणा ने निरंजन पर एक मार्मिक दृष्टि डालते हुए कहा, निरंजन जी, मैं नाराज होंगी आपसे, क्या आपका हृदय इस पर विश्वास कर सकता है? मैं तो जानती हूँ कभी न करेगा, किंतु जिस प्रकार आप इतने दिनों तक मेरे आग्रह से रुके रहे, उसी प्रकार मेरे अनुरोध से आप आज रात को गाड़ी से चले जाइए। निरंजन ने दृष्टि उठाकर एक बार वीणा की ओर देखा, फिर वह अनुवाद की हुई रुबाइयों को देखने लगा। आप सुन रहे थे सुभद्रा कुमारी चौहान की कहानी अनुरोध। कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।